अभी तुरंत झेलम खत्म हुआ था 1 मिनट पहले। अभी ये चेनाब, ये चेनाब क्या है? ये भी रिवर है, मतलब झेलम जिसमें पानी डाल रहा था वो वाला चेनाब है। अच्छा, ये झेलम जिसमें पानी डाल रहा था वो वाला चेनाब है क्या? हाँ, ये पानी कहाँ पे डाल रहा था? त्रिमू के पास। ओके ओके, त्रिमू के पास है ना चंद्रभागा नदी। याद रहेगा, याद रहेगा हमें, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ तो चेनाब में चिंता मैं क्यों करूँ, चिंता तुम करो। इधर ध्यान से सुनिए, कृपया यात्रीगण ध्यान दें, ये जो चेनाब नदी जो बारालाचा पास से शुरू होने वाली है, ठीक है, जो बारालाचा पास से शुरू होने वाली है चंद्रभागा नाम से, वो जाकर के अल्टीमेटली सतलज को ज्वाइन करने वाली है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मतलब छात्रगण 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 कृपया ध्यान दें, बारालाचा पास से शुरू होने वाली चेनाब रिवर सतलज रिवर में जाकर के डूब जाने वाली है। अरे तो उसमें कौन बैठेगा? बैठना नहीं है, सुनना है। अच्छा, सुनना है क्या? ये चेनाब है? हाँ चेनाब है, तो लाहौल स्पीति का पार्ट है, जान्स करेंज का, है ना? नाउ अब इसको वापस करते हैं रीड, है ना? चाहो तो इसको लिख लो, है ना, इधर मैं नीचे हो जाता हूँ, इसको चाहो तो भी रोको, पॉज करो वीडियो को, लिखो। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ये आपकी जिम्मेवारी है, देश देश हित में ये काम, है ना? ओके, और हरे कृष्णा भी बोलना नहीं भूला करो, है ना, ये मुश्किल है। ठीक है, मैं तो ये वीडियो बनाते बनाते ही 300 बार आज बोल चुका हूँ। क्या बात कर रहे हैं? हाँ तो अब इसको नहीं ऊपर कर दूँ, हो गया पूरा ही हो गया होगा, लिख लिया हो गया, उम्मीद करते हैं ऐसा, है ना। नाउ शुरू करते हैं हम यहाँ से। द चेनाब ओरिजिनेट फ्रॉम नियर द बारा लच्छा पास इन लाहौल स्पीति, इट इज़ द पार्ट ऑफ जांस्कर रेंज। अब कह रहा है कि ये जो चेनाब रिवर है ये लाहौल स्पीति से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है? लाहौल स्पीति से, जो कि जांस्कर रेंज का ही पार्ट है लाहौल स्पीति। और जगह का नाम क्या है? तो बारा लच्छा पास, ठीक है, बारह लच्छा, ला ला मतलब होता है पास, तो बारह लच्छा ला से शुरू होता है, लाहौल स्पीति का पार्ट है, जांस्कर रेंज में एग्जिस्ट करता है। तो बोलिए हरे कृष्णा। ओके, ये मंत्र था क्या? हाँ मंत्र ही है, बारह लच्छा पास से शुरू होता है, लाहौल स्पीति का में से स्टार्ट होता है, जो कि जांस्कर का पार्ट है, इसका नाम है चेनाब रिवर। तो बोलिए चेनाब आय नमः। अरे ये कोई भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है चेनाब आय नमः। अरे नया ईजाद किया है भाई, टू स्मॉल स्ट्रीम्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द पास, ठीक है, जो बारालाचा पास है इसके अपोजिट साइड से, एक किधर से आती है, एक किधर से आती है, एक का नाम है चंद्र, इसका नाम है चंद्र, एक का नाम है भागा, इसका नाम है भागा, क्या नाम है? भागा। ये है चंद्र, ये है भागा, जाकर के जुड़ के बन जाती है चेनाब। अरे ये मैच ही ना कर दिया है, अरे तो ना कर दो ना, याद रख लो ये चंद्र है, ये भागा है, और चंद्र भागा बन गई, चंद्र, अरे चंद्र भागा नहीं बन गई, चेनाब बन गई। वैसे तुंगभद्रा याद होगा किसी को, है ना? हाँ वो किसको नहीं याद है, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी थी, एक नदी था तुंगा, एक का नाम था भद्र, तुंगा तुंगा ग्लेशियर से, तुंगा तुंगा वाटर रिजर्वायर से आ रहा था, भद्र भद्र रिजर्वायर से आ रहा था, और दोनों ज्वाइन करके कृष्णा में चले जाते हैं तुंगभद्रा के नाम से। छोड़ो छोड़ो, वो नहीं पूछूंगा मैं, पहले ये बताओ, उसको बाद में बताऊंगा, अभी अभी तो पूरा नदी वापस आएगा, जितना इन नोट्स के फॉर्म में है ना, पहले वाला नदी ऐसे ही मैप के फॉर्म में था, मैप में दिखा रहा था कहाँ कहाँ से आ रहा है, कौन ओरिजिन किसका है, ताकि देख तो लो, समझ में तो आया कि मैप में कहाँ आता है, अन्यथा ऐसे ही रट तो रहते जीवन भर इधर उधर आँख बन करके। अब ये नोट्स के फॉर्म में इसलिए लाऊँ ताकि नोट्स बन जाए, है ना, नोट्स भी तो बनाना जरूरी है, उसमें भी मैंने बोला था नोट्स बनाने के लिए, पर मुझे पता है 90% लोग बना ही नहीं पाए, समझ में नहीं, मास्टर करूँ क्या, लिखूँ कैसे? द चेनाब ओरिजिनेट फ्रॉम नियर द बारालाचा पास, ठीक है, जांस्कर रेंज से शुरू होता है, दो स्ट्रीम्स हैं अपोजिट साइड में, चंद्रा और भागा, इसका अल्टीट्यूड लगभग 5,000 मीटर पे है। नाउ द यूनाइटेड स्ट्रीम इज कॉल्ड चंद्र भागा, जो इन दोनों को चंद्रा और भागा जोड़ के बनाता है, इसका नाम है चंद्र भागा, और ये फ्लो किसे करता है? तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कैसा है? तो ये देखो, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, और ईस्ट डायरेक्शन में फॉलो। ओके, ये तो अब नॉर्थ वेस्ट बनाना तो आसान हो गया, नॉर्थ ईस्ट बनाना भी आसान हो गया, साउथ ईस्ट बनाना भी आसान हो गया, और साउथ वेस्ट बनाना भी आसान हो गया।
अब ये बताइए कि इसमें कोई ऐसा है जो हम नहीं बना सकते हैं? अभी ऐसा है जो तुम नहीं बना सकते। इसका नाम है पंगी वैली, पैरेलल टू द पीर पंजाल रेंज। अभी मैंने पीर पंजाल बताया, पीर पंजाल रेंज है, इसके पैरेलल बहती है। अरे हाँ, पैरेलल मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, मतलब पीर पंजाल भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, बिल्कुल। और ये पंगी वैली क्या है? ये घाटी है, घाटी। ओके, तो ये पंगी वैली में ही बहती है ना? हाँ, तो ये मतलब वहाँ पे जितने भी नदी हैं तो कुछ ना किसी वैली में ही बहेंगे। हाँ, तो ये वैली में ही बह रही है, पीर पंजाल के पैरेलल बह रही है। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, याद करवाता हूँ ना। तो बारालाचा पास से शुरू हो रही है, लाहौल स्पीति का ये जांस्कर का पार्ट है, लाहौल स्पीति से, ठीक है। लाहौल स्पीति जिला का नाम है, लाहौल स्पीति क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ठीक है। और ये जांस्कर क्या है? तो ये माउंटेन का रेंज है। और ये बारालाचा क्या है? तो ये पास है, पास माउंटेन ऐसे ऐसे होता है ना, तो इसमें एक पार होने वाला जगह होता है, इसको पास बोलते हैं। छोटे छोटे स्ट्रीम से शुरू होती है, चंद्रभागा और भागा से शुरू होती है, 5,000 मीटर का एल्टीट्यूड पे, इसको चंद्रभागा बोलते हैं। पंगी वैली से बहती है पीर पंजाल के पैरेलल, पीर पंजाल के पैरेलल शुरू होती है जांस्कर रेंज से, बहती है पीर पंजाल के पैरेलल। किश्तवाड़ करके जिला है जम्मू कश्मीर में, यहाँ इस गोर्ज बनाती है। किश्तवाड़ में क्या बनाती है? गोर्ज बनाती है। जबकि झेलम कहाँ पे गोर्ज बना रही थी? पीर पंजाल में। गोर्ज कहाँ बना रही थी? पीर पंजाल में। ये कहाँ बना रही है? किश्तवाड़ में। ओके, नाउ 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 फ्रॉम हेयर इट थ्रू द प्लेन ऑफ पाकिस्तानी पंजाब टू रीच द पंचनद। अब ये पाकिस्तानी पंजाब से चलती है और पंचनद को पहुंचती है। पंचनद कौन सा है? तो पांचों नदी है। और बाद में झेलम, ये चेनाब जाकर के किसको ज्वाइन करती है? चेनाब जाकर के सतलज को ज्वाइन करती है। किसको ज्वाइन करती है? सतलज को ज्वाइन करती है। अब ये पीडीएफ बदलना पड़ा था हमारे गुरु जी को, क्योंकि उन्होंने मतलब 2022-21 में पूछ दिया ना कि ये एक बात बताइए कि चेनाब जो है, झेलम जो है, सतलज जो है, इन तीनों में से कौन बाकी का पानी रिसीव करता है? ऑप्शन ए चेनाब, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी झेलम, सतलज। चेनाब सब इन दोनों का पानी रिसीव करता है कि झेलम इन दोनों का पानी रिसीव करता है कि सतलज इन दोनों का पानी रिसीव करता है? और बच्चे तो एग्ज़ाम में यूपीएससी प्रीलिम्स में मतलब बेहोशी मार रहे थे। 2021 का है ये पेपर था, हाँ 2021 का ही था मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक याद है। थोड़ा पेपर शायद लेट हुआ था किसी कारणवश, कोरोना वोना था ना। नाउ तो ये सतलज को ज्वाइन करता है आफ्टर रिसीविंग द वाटर झेलम एंड रावी। यूपीएससी की बात है, ये यूपीएससी का पेपर था। नाउ फ्रॉम हेयर इट थ्रू द प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान रिच इज द पंचनद वेयर इट ज्वाइन सतलज। तो चेनाब किसको ज्वाइन करता है? सतलज को। और झेलम किसको ज्वाइन कर रहा था? तो चेनाब को। अब मैं नदियों का क्रोनोलॉजी बताता हूँ। सी, चेनाब, झेलम और इंडस। मतलब झेलम का पानी चेनाब में आ रहा है और रबी, ब्यास और सतलज। और चेनाब का पानी किस में आ रहा है? सतलज में आ रहा है। ये दोनों का पानी कहाँ जाएगा? वेट एंड वॉच। सबका पानी सतलज में ही जाएगा, डोंट वरी, एंड अल्टीमेटली सतलज में जाएगा। और सतलज इन सब सतलज लेकर के जाएगा इन सब का पानी को इंडस में। तो ये जो चेनाब नदी है चंद्रभागा से बनी हुई है, पंगी वैली से आ रही है, सतलज में जाकर के मिल रही है, ये होता है ख़त्म, एंड। अब आगे होगा हमारे पास रावी, और रावी के लिए आपको करना है इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि 200 व्यूज़ आने चाहिए एटलीस्ट, तब जाकर के रावी का वीडियो अपलोड होगा, अन्यथा आज से वीडियो बंद, ठीक है? ओके, तो ये है रावी रिवर। तो बोलिए हरे कृष्णा, ठीक है।